2014 में एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे हमें थोड़े लॉसेस हुए। गो मैकेनिक शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन हमारे यहाँ से बड़ा नियर है, ऐसे ट्रेंड होकर के हो गए हैं मारुति में। 72 कार्स मॉडिफाई करी है नई आर्टिका, 52 सिंगर है किंग जोरा भाई, टॉप 5 में शॉप का नाम आया था सर। थैंक यू सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा जी। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद इसमें वीडियो आ रही है, मैं समझ सकता हूँ कंटेंट नहीं मिल रहा था इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अभी एक गो मैकेनिक के साथ रिलायबल ऑटो मोटर वर्क्स है, मैं वहाँ पे आया हूँ, काइंड ऑफ इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे कैसा रहता है क्या रहता है। तो चलिए यहाँ चलते हैं और अंकल से मिलते हैं, रिलायबल ऑटो मोटर वर्क्स पे हम चलते हैं। मीनवाइल कह रहे थे अभी फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, तो सर ने कहा था गो मैकेनिक का जो बोर्ड है वही है, तो रिलायबल ऑटो मोटर वर्क्स, तो यहाँ पे हम चलते हैं अंदर। तो पहुँच गए हैं, अब चलते हैं अंदर उनसे बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज मैं आया हूँ रिलायबल मोटर वर्क्स में, और मेरे साथ है दिनेश जी। हेलो, इनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है, तो आइए। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो वर्कशॉप है रिलायबल ऑटो वर्क्स का, ये आपने कब एस्टेब्लिश किया था? ये हमने 2014 में एस्टेब्लिश किया था, मार्च 1st को। तो यही है या पहले भी कोई था? नहीं, स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी थी, फिर इसके बाद हमने गुड़गांव में ओपन किया था 2019 में, फिर 5 महीने बाद ही लॉकडाउन आ गया था, तो वहाँ पे हमें थोड़े लॉसेस हुए, वहाँ से वाइंड अप करना पड़ा, बिकॉज सारा ट्रैफिक ही सारे एमएससीज का था, और एमएससीज वो टाइम पे अक्टूबर तक बंद थी, वहाँ पे रेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर इसको वाइंड अप करना ही पड़ा हमें। तो ये जो गो मैकेनिक है, तो आप उनके साथ टाइप है या ये अलग हैं, या गो मैकेनिक का क्या सीन है? गो मैकेनिक हमारे साथ टाइप किया हुआ है, 2016 में ये आए थे, तो जब से हमारे साथ ये कोलैबोरेटेड है। गो मैकेनिक से कुछ फ़र्क पड़ा या जैसे पहले था वैसे ये कुछ हार्डली चेंज? नहीं, फ़र्क पड़ा, बिकॉज इनकी जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग जो कैश बर्न इनका बहुत ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली फर्क रहा है, बिल्कुल रहा है। आपने ये 2014 में स्टार्टअप किया था जी, तो इससे 2014 से पहले भी जब का यही था? नहीं, वो मैं फैमिली बिजनेस में था, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग के। ओके जी, वो रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हमारी कंपनी, तो उसमें एंगेज था मैं अपनी फैमिली के साथ में, ऑटोमोबाइल से क्रेज था, तो फिर सोचे कि भाई क्यों ना अपना चालू किया जाए। अच्छा, तो आज से आप अपने आप को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर ही हो एक तरह से आप, तो यही हुआ ना? बट ऐसे इंजीनियरिंग नहीं करी है, बस ठीक है, टाइम था, फिर भी नॉलेज तो है। जी 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 जी। तो आज से आप अपने आप को पास ये कहो कि 5 से 10 साल बाद आप कहाँ देखते हो कि आपकी पोजीशन कहाँ पे होगी, मतलब इसमें होगी, आप इसको और एक्सपेंड करोगे, क्या क्या रहेगा? देखो, आगे 5 साल का तो बहुत दूर हो जाएगा, मेरी जो प्लानिंग है अगले 1 साल बाद की है। नाइस। वाओ, नाइस जी। तो अगले 1 साल बाद हमें एक नोएडा में एक सेटअप है, वो एस्टेब्लिश करना है, और गुड़गांव में वापस से हम करेंगे, तो अगले नेक्स्ट ईयर की हमारी ये 2 यूनिट्स की प्लानिंग है कि हम इनको एस्टेब्लिश करें। आपके यहाँ पे एक टाइम पे कितने कार्स आ सकती हैं, या कोई बुकिंग होती है, या कोई भी ऐसे रैंडमली अपना काम करवाने आ सकता है, क्या तरीका रहता है? इसके ऐसे जैसे हिमांशी जी हैं जी, तो हमारा ये सारा जो अपॉइंटमेंट्स का सारा शेड्यूल्ड है, ये हिमांशी जी देखती हैं, तो बेटर ये रहता है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ, क्योंकि ऑलरेडी जैसे वीकेंड्स पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बेटर यही है कि आप स्लॉट्स ले लें, तो उसमें आपको ईजी रहेगा ना कि लंच से पहले या लंच के बाद जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है, ज़्यादा लंबा टाइम आपको वेट ना करना पड़े। प्लस दूसरा ऑप्शन ये पिक एंड ड्रॉप वाला, उसके लिए हमारे पास ड्राइवर्स हैं कि वो जाके घर से आपकी गाड़ी तो पिक कर ले। नहीं, सारी टीम हमारी है, गो मैकेनिक का काम है हमें सर्विस लीड प्रोवाइड कराना, उसका जो एक्ट करना था वो सारा हमें ही करना होता है, फिर वो खैर प्रोसीजर अलग है, बाकी गो मैकेनिक का हमारा अपना एक है, वो अलग है। आपके यहाँ की टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स है जी 10 से 7 बजे तक की, मॉर्निंग 10 to 7। जी, तो अगर कोई आपके यहाँ पे आना चाहे वर्कशॉप में जी, तो कैसे कैसे आ सकता है? देखिए, गाड़ी तो वो लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह,
जी यहाँ से अपना शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन हमारे यहाँ से बड़ा नियरेस्ट है, तो यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो वहाँ से ई रिक्शा भी अवेलेबल है, प्लस या तो हमें कॉन्टेक्ट कर ले या तो हम उन्हें पिक भी कर लेंगे, ड्राइवर्स हैं तो स्कूटी या कार से पिक करके ले आएंगे, या कहीं ड्रॉप करना है तो वो गाड़ी से ड्रॉप भी कर देंगे जो भी नियर बाई मेट्रो स्टेशन होगा वहाँ पे। आपके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जी यहाँ पे काम करते हैं जी, तो इनको जो है वो आप स्किल दे लेते हैं कि जो पहले से सीख के आए या एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस गेन करके फिर काम करते हैं, क्या तरीका है? देखिए जो जब मैंने स्टार्ट करी थी वर्कशॉप्स, तो जब मैंने कुछ होंडा से लिए थे जो नोन थे मेरे, जैसे मेरा सोंडा की गाड़ी थी, तो मैंने जिनसे सर्विस कराता था तो उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, तो वो स्विच करना ही चाह रहे थे, तो मैं उनको अपने पास ले आया था। कुछ मारुति से आए थे, फिर कुछ टाइम के साथ साथ और जो नॉलेज बल थे बंदे, तो उनको फिर हायर कर लिया था हमने। कुछ हैं फ्रेशर्स जो सीखना चाहते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग के लिए हमने कुछ बंदों को दिए ट्रेनिंग है, फिर यहाँ से ट्रेंड होकर के वो गए हैं मारुति में, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आज भी आते हैं मिलने के लिए। जिनमें से एक तो मारुति के प्लांट में लग गए हैं, एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे यहाँ से दिया था। फिर एक और है वो कास्ट 24 पे भी आज के डेट में सीनियर लेवल मैनेजर हैं, वो हमारे यहाँ पे ऐसे एडवाइज़र थे, तो आज के डेट में कास्ट 24 में अच्छी सैलरी पे हैं वो। यहाँ पे आप क्या क्या सर्विसेज कार की प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या नहीं है, सारी है, बताइए। गाड़ियों से रिलेटेड आपका अगर मेंटेनेंस का कोई भी काम है वो तो सारा अवेलेबल है ही हमारे पास, प्लस डेंटिंग पेंटिंग का हो गया, प्लस अभी जो हम नहीं कर रहे हैं वो है कैशलेस का, इंश्योरेंस का काम, वो हमने भी चालू करना है, वो हमने भी लॉकडाउन के टाइम से बंद कर दिया था। बाकी मैकेनिकल तो सारा टोटल है ही है, प्लस जो एक्सेसरीज से रिलेटेड भी वो भी है ऑप्शंस हमारे पास में, बाकी मैकेनिकल का तो टोटल ए टू जेड सॉल्यूशन है हमारे पास। जी आपने लॉकडाउन का जिक्र किया जी, अब मुझे बात बताइए जब 2019 में लॉकडाउन लगा था जी, तब आपका क्या रिएक्शन था रिगार्डिंग टू योर बिजनेस, कि मतलब देखिए गाड़ी भी काफी टाइम तक खड़ी रही, बिल्कुल भी जाम हो जाता है, जो जी, उसके व्हील्स होते हैं उसमें भी कुछ जंग वंग लग जाता है, तो आपने कैसे इस चीज को हैंडल किया और कैसे आपने अपने कस्टमर्स को कहा कि अभी ऐसे कुछ करिए से आपका जो है गाड़ी में कुछ ज्यादा वो मेजर इफेक्ट ना है, क्या तरकीब बताई थी आपने, ये जरा बताइए आप। जैसे नॉर्मली तो हमने वो जंप स्टार्ट वगैरह सबसे मेनली तो था, ये बैटरी उसकी ड्रेन आउट हो चुकी थी, तो मेनली ड्रेन आउट का वे रहा था वो टाइम पे, क्या बारिश इतनी नहीं थी तो उसके कारण टायर्स आपके जाम नहीं हुए थे, बस टायर जो है फ्लैट हो गए थे आपके, तो उसके लिए वही जो एयरमेटिक पंप आता है जो जिससे एयर इन्फ्लेटर होता है उससे बस वो प्रोवाइड करवाए थे हमने, और जो गाड़ियाँ स्टक हो रखी थी उनके लिए फिर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ था, एक किफ़ायत पैकेज बनाया हुआ था, तो उसमें क्या जनरल चेकअप प्लस गाड़ी के अगर टायर्स फ्लैट है वो, प्लस गाड़ी स्टार्ट करना, उसको बैटरी जम स्टार्ट करना, बैटरी का चार्जिंग का ऑप्शन, ये एक बेसिक हमने पैकेजेस बनाए थे वो टाइम पे, तो वो डोर टू डोर जाके हमने वो सर्विसेज दी थी अपनी। हाँ 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 जी जी जी, क्योंकि क्रेन का तो फिर इतना टोटल हमारा पैकेज का कॉस्ट नहीं था, इतना क्रेन का चार्जेस पड़ जाता कस्टमर को, तो इसलिए फिर हमने डोर स्टेप पे ही ये सर्विसेज दी थी कस्टमर्स को। 2-3 गाड़ियाँ थी हमारी, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती थी, वहाँ पे ही कस्टमर्स डोर स्टेप पे ये सब सारी सर्विसेज दी थी हमने। तो आपका ओवरऑल लॉकडाउन बीता कैसे, ये बताइए, सबसे अहम क्वेश्चन गाइस ये कि आपका बीता कैसे लॉकडाउन का जो ड्यूरेशन थी वो। खैर एक चीज ही ऐसी रही थी कि किसी को कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और क्या होने वाला है क्या हो रहा है किसी को कुछ आइडिया था ही नहीं, फिर प्लस अपनी टीम्स थी जिनके जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे तो उनको फंड्स वगैरह दिए, जिनको राशन वगैरह की रिक्वायरमेंट थी वहाँ राशन वगैरह भिजवाए थे, बट ठीक है टीम आज भी हमारे साथ ही, आज भी जुड़ी हुई है वो सारी टीम है, आज भी हमारे साथ में हमारे पास में ही वो टीम जी, तो ठीक है वो सबका ही थोड़ा क्या अच्छा खासा खराब टाइम रहा था, हर कोई सफ़र कर रहा था वो टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक लॉ तो निकाला था कि शुरुआत में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि रेंट्स वगैरह कुछ भी आपको नहीं देने हैं, ये सब सारे वेवर होंगे, उसके बाद वे भी स्टेप बैक कर गए थे, तो रेंट्स वगैरह वो टाइम पे जैसे गुड़गांव में था, वो गुड़गांव वाले ने तो रेंट्स वगैरह कुछ वेवर नहीं किए थे, जैसे दिल्ली वाले हमारे लैंडलॉर्ड है उनका बिहेवियर काफ़ी सही रहा था, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था कुछ रेंट में हमारे साथ में, तो इसलिए फिर गुड़गांव वाला हमें वाइंड अप करना पड़ा था यहाँ पे। ठीक है सब, आज हमें हो गए ऑलमोस्ट 9 साल हो गए यहाँ पे कम्प्लीट। कोई भी व्यूअर जी, जो चैनल का व्यूअर होगा, कोई भी सब्सक्राइबर होगा, अगर वो मेरे चैनल का नाम लेके आपके पास आता है जी, तो उसको क्या क्या डिस्काउंट या क्या क्या फैसिलिटीज
मिल सकती हैं जी। पेट्रोल गाड़ी में जैसे कि थ्रोटल बॉडी क्या है उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो अगर आपके थ्रू अगर कोई भी व्यूअर आता है आपका तो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग फ्री रहेगी सर्विस में, और प्लस जो है 15% और एडिशनल डिस्काउंट देंगे जो भी हमारा सर्विस पैकेजेस है। अच्छा, आपके पास सेरेमिक कोटिंग या फिर वो जो भी कोटिंग का जो काम होता है वो होता है क्या? नहीं, वो एक एसेसरीज वर्क हो गया जो अलग ही एक सेगमेंट हो गया, तो वो नॉर्मली अभी मेरे शोरूम्स भी कुछ हर कोई नहीं दे रहा है। जो सेरेमिक कोटिंग है चलो वो तो फिर भी हो जाती है, बट जो पीपीएफ वगैरह होगी वो एक अलग सेगमेंट हो गया, वो इन हाउस नहीं है। आपके हिसाब से अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगी जी, आपके हिसाब से क्या चीज़ करवानी ठीक है, किस चीज़ की लाइफ जो है वो लंबे समय तक रह सकती है? जो मेरा व्यू है, देखो मेरे को किसी से पीपीएफ वालों से किसी कोई कंप्लेंट नहीं है, बट मेरा अपना ये मानना है कि जितना आप पीपीएफ पे इन्वेस्ट करते हैं, देखो एक बहुत आपकी प्रीमियम कार है तो देट इज़ डिफरेंट पॉइंट, वरना एक नॉर्मल कार के लिए पीपीएफ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं इतने का उनकी पूरी गाड़ी का पेंटिंग का कॉस्ट नहीं आता, उससे डबल ऑलमोस्ट उसका पीपीएफ का कॉस्ट आ जाता है। सेकेंडली जैसे स्क्रैच हमारी डली है, ये स्क्रैचेस बड़ी नॉर्मल चीज़ है, तो उस पर वो लगा तो आपको उतना पेंट का कॉस्ट नहीं आना, उससे डबल आपको उसको पीपीएफ को वापस कराने में उस पर्टिकुलर पार्ट पे वो पीपीएफ कराने में कॉस्ट आपका उससे डबल पड़ जाएगा, तो कि ये चीज़ है। फ्यूचर में आप करवाओगे, मतलब अपने पास रखोगे इसका नहीं, पीपीएफ का मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगा। ठीक है जी, सेरेमिक कोटिंग का करवा सकते हो? हाँ, सेरेमिक कोटिंग ठीक है, वो एक लेयर होती है, 5 लेयर होती है जो एक गाड़ी पे डलती है, वो ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपसे आपकी गाड़ी पे कुछ जैसे डॉग्स हो गए या कैट्स हो गई ये पंजे मार देती है अपने, तो उससे ठीक है, वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है आपकी कार के पेंट को, स्क्रैचेस से बचाता है, और प्लस जैसे पेड़ के नीचे आपकी गाड़ी खड़ी रहती है तो फिर वही जो उसके गम्स वगैरह होते हैं तो वो काफ़ी हद तक ईजिली रिमूवेबल होते हैं उस पर। ये बात बताइए मुझे कि आपके यहाँ इस सर्विस सेंटर में जी मतलब किस किस टाइप के लोग आपसे मतलब रब्ता होते हैं, मतलब कौन कौन आता है? जैसे जो डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के वो भी आते हैं, हमने अभी दिल्ली पुलिस के लिए ऑलमोस्ट 172 कार्स मॉडिफाई करी है, नई आर्टिका 52 बुलेरो मॉडिफाई करी हैं, और दिल्ली के ईडी के चीफ भी हमारे कस्टमर रहे हैं, जो सिंगर है किंग अर्पण भाई वो भी हमारे कस्टमर है, किंग वही ना जिन्होंने गाना गाया था तू मान मेरी जान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे कस्टमर है, उनकी फॉर्च्यूनर या वरना वो हम सर्विस करते हैं। फिर जोरा भाई, जोरा फगवाड़ा, जो सरकार तो साड़ी अपनी है जो है गाना जिन्होंने गाया है, हाँ वो अपनी मर्सिडीज वगैरह की सर्विस स्पेशल पंजाब से अपने पास करवाने आते हैं, पंजाब से? हाँ स्पेशल पंजाब से अपने पास, और उनका ऑलमोस्ट सारा ही ग्रुप जो है उन्होंने अपने पास ही रिकमेंड किया हुआ है, तो वे सारे अपने पास ही सर्विस कराने आते हैं। और आप कुछ अमित भड़ाना के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे? हाँ रोहित शर्मा जी, नहीं अमित भड़ाना जी के साथ में थे रोहित शर्मा। अच्छा हाँ, यूट्यूबर ही उनके साथ में थे पहले, तब तो शायद नहीं है मेरे लोग साथ में, तो वो काफ़ी साल से वो भी उनकी सिस्टर हैं, वो भी अपने कस्टमर हैं। अब तो सबका वेब सीरीज आ रहा है। हाँ सब अलग ही हो गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, कस्टमर जो हमारे पास 2014 से थे टचवुड वो अभी भी हैं, कई बड़े ग्रुप्स हैं, कई एमएनसीज हैं जिनका अपना सारा क्लाइंटेज हमारे पास आता है। ये अभी जो भारे भी एक आए हैं, ये गोदारा रोडवेज के ओनर हैं, तो इनकी गाड़ियाँ हालांकि कापासीडा बॉर्डर पे है इनका ऑफिस, तो वहाँ से स्पेशल अपनी नॉर्मल गाड़ियों की सर्विस भी ये अपने यहाँ पे भेजते हैं करवाने के लिए। है हाँ जी 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 जी, सभी बात तो ये उनके पास वॉल्वो है जी जी जी, उनके पास एंडेवर है जी जी, और वरना है, और एक गाड़ी और बता रहे थे वो जी, तो वो गाड़ी उनके पास है। तो मैंने उनसे कह दिया कभी मौका मिलेगा भाई तो वो नशिब एक्सपीरियंस वीडियो भी हम साथ मिलके बना लेंगे, बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। और बस तो भाई क्या बताना आपको कैसा लगा? ये हमारे कस्टमर हैं जो वॉल्वो की एसी से रिलेटेड कुछ काम कराने आए हैं सर हमारे पास। बताइए सर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? मुझे दो रीज़न से पता चला, एक तो गो मैकेनिक की ऐप से, और दूसरा इंटरनेट पे मैंने सर्च किया था कि लग्जरी कार शॉप्स नियर मी जो गाड़ियों की लग्जरी कार्स की सर्विस करते हैं नॉर्थ दिल्ली में, तो उनमें भैया का नाम टॉप 5 में शॉप का नाम आया था, तो वहाँ से मुझे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला और मैंने इनसे बात करी। ऑलरेडी मैं 2-3 गाड़ियों की इनसे सर्विस करा चुका हूँ अपनी, जो मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं, तो अब 2-3 बार आ चुका हूँ, सर्विस अच्छी मिली, तो इस वजह से अब मैं इनके पास कंटिन्यूसली आता रहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर।
आपसे मिलके काफी अच्छा लगा जी, सेम ईयर, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप और हम मिलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, अपना बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा ही फर्स्ट टाइम था, शायद फर्स्ट टाइम होगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा मेरे साथ ऐसे बातचीत करके, पहले तो अभी ये बताइए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। चलिए थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड हमें बर्दाश्त करने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप चाहते हो इस टाइप की और वीडियोस देखना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको और किस टाइप की वीडियोस आपको देखनी है। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना भी हो पाएगा आपके लिए किया जाए। और एक बार तहे दिल से दिनेश सर को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।